हेलो फ्रेंड्स, मैं अनमोल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हाउ टू राइट में। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, आज जो हम सीखने वाले हैं वो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के बारे में सीखने वाले हैं कि ये एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस टाइप का कुछ क्वेश्चन होता है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल Asking him for school leaving certificate। आपको जो है कोई एक स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए और आपको स्कूल मतलब आपके पिताजी का ट्रांसफर हुआ है, इस पे इसके रिगार्ड ये लेटर है हमारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टू द प्रिंसिपल, आपके स्कूल का नाम, जो स्कूल नाम मेंशन किया हुआ हो उसका एड्रेस, देन सर है मैम है आप वो देख लेना। फिर विद Give respect, I state that I am a student of 10th class of your school. My father has been transferred from Bahadurgarh to Hisar. He is to report on duty there within 3 days. All my family members are going there. I cannot leave here alone. Kindly issue my school leaving certificate so that I can take admission in a good school there. I shall be very obliged to for this act of kindness. Your faithfully, ये लास्ट का हमारा आ गया लाइन, नाम जो दिया हुआ हो, क्लास, देन रोल नंबर और सबसे इम्पॉर्टेंट है लास्ट, वो डेट जिस डेट में मेंशन किया हो। कभी भी अगर एग्जाम में हो तो प्रेजेंट की डेट नहीं लिखते हमें, इसे एक दो चार दिन मतलब कभी भी, लेकिन प्रेजेंट डेट नहीं लिखते। पहले की डेट कभी भी लिख दीजिए लेकिन प्रेजेंट डेट नहीं लिखना होता है। देखिए एक नंबर आपको इन चीज़ों का मिल जाता है ये लिखने का पूरा, 3 मार्क्स आपको इसके मिलते हैं अगर 5 नंबर का आता, अगर 8 नंबर का आता फिर तो बल्ले बल्ले। और देखिए नीचे इन चीज़ों का भी हमें 1 से 2 मार्क्स मिल ही जाता है ऑलमोस्ट। अगर आप यही रूल फॉलो करें स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लिखने में तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होंगी। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।